नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मास संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। इम्यूनिटी 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 यानी प्रतिरोधक क्षमता, ये बात हम पिछले कुछ महीनों से ध्यान दे रहे हैं। इस बारे में हमने हर बार अपने वीडियोस में आपको पहले भी बताया था, आज भी हम अपने वीडियो के माध्यम से ये रिपीट कर रहे हैं आपके साथ कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है, क्यों है, कैसे बढ़ानी है। और इसके लिए मैंने हर बार अपने वीडियो में कहा है कि टाइम पर खाइए, टाइम पर सोइए। इम्यूनिटी होती क्या है ये मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ये पता कर पाए कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है। चलिए आज वीडियो में बात करते हैं उन चेक पॉइंट्स के बारे में जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। वो 8 पॉइंट कौन से हैं जिसके बेसिस पर आप अपने आप को खुद नंबर देंगे और आप एक सीट बनाएंगे जिसमें ये 8 पॉइंट लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपका इम्यूनिटी स्कोर कितना है। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इम्यूनिटी स्कोर की। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और लाइक करना तो बनता है। जैसे मैंने बात किया कि एक इम्यूनिटी का स्कोर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है जो ये बता सके कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है और कैसी है। यदि नहीं पता तो आप अपने डॉक्टर मित्रों से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके पास कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट इस दुनिया में आज तक नहीं बना है जो ये डिसाइड कर पाए कि आपका इम्यूनिटी का स्कोर यानी इम्यूनिटी का लेवल कितना है, आप कितने मजबूत हैं अंदर से किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, चाहे वो कोविड-19 ही क्यों ना हो। तो चलिए बात करते हैं उन 8 पॉइंट्स की जो आपके लिए जरूरी है, आपको चेकलिस्ट बनानी है। यदि वो पॉइंट आपका सही है, आप वैसा करते हैं तो उस पर टिक कर दीजिएगा, वो आप उस फील्ड में जीत चुके हैं। लेकिन यदि नहीं है तो आपको क्रॉस करना है और चेकलिस्ट बना के रख लीजिए, आप वीडियो के साथ बने रहिए। का लक्षण या प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण होता है क्या आज या हमेशा आपका पेट साफ होता है। एक बार में आपका मोशन यदि क्लियर होता है तो पहले पॉइंट में टिक कर दीजिए, हाँ मेरा पेट साफ होता है। और यदि आपका एक बार में पेट साफ नहीं होता और आपको कोई दवाई, कोई इसबगोल, कोई चूर्ण, कोई क्रीमाफिन सिरप या ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो पेट साफ करने के लिए लेनी पड़ती है या बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं जिसमें गर्म पानी पीना भी होता है सुबह सुबह, या बहुत ज्यादा पानी पीना होता है, किस तरह का चूर्ण खाना होता है, यदि ऐसा है तो क्रॉस कर दीजिए, यहां आपका इम्यूनिटी का लेवल जीरो है, कम है। इम्यूनिटी का पॉइंट नंबर 2 जो आपको चेकलिस्ट में चेक करना है, आपका वजन निर्धारित उम्र की जो आपकी कैटेगरी है उसमें यदि ज्यादा है यानी बहुत ज्यादा वजन है तो आप क्रॉस का निशान लगा लीजिए। और यदि आपका वजन आपकी उम्र के आधार पर सही है या एक एवरेज पे है तो फिर आप राइट का निशान लगा लीजिए, क्योंकि वजन का बढ़ना यानी एक्सेस फैट का डिपॉजिट होना मतलब बॉडी में उपापचय क्रियाओं में की जो गतिविधियां हैं वो गड़बड़ हैं, इसीलिए आपका वजन बढ़ रहा है और आप दूसरी बीमारियों में जाएंगी जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट होने के आगे जाके प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप बीपी के मरीज बन सकते हैं। का पॉइंट नंबर 3 जो आपको चेक करना है, क्या आपके चेहरे में कील मुहासे होते रहते हैं या आपको फेस में किसी भी तरह की बीमारी, स्किन से संबंधित कोई समस्या है, या आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन,
कुछ भी होता रहता है जो स्किन के लेवल पर होता है, यदि है तो क्रॉस कर दीजिए, और यदि नहीं है तो आप इसमें भी जीत चुके हैं, आपकी इम्यूनिटी ठीक है। चेक करने का पॉइंट नंबर 4, क्या आपको पूरा दिन सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक अच्छी फूर्ती रहती है, या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, या आपको आलस्य महसूस होती है? यदि आप पूरे दिन फिट रहते हैं तो राइट लगा दीजिए, और यदि आपको आलस्य ज्यादा महसूस हो रही है तो फिर खबरदार, आपको एक्सरसाइज, वर्कआउट, व्यायाम, योगा, जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है या वॉक, आपको करना चाहिए या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। इतनी कम जगह किसी के घर में नहीं है कि आप वर्कआउट ना कर पाए या कुछ भी एक्सरसाइज ना कर पाए, तो ये पॉइंट चेक कर लीजिए। चेक करने का पॉइंट नंबर 5, क्या बहुत जम के भूख लगती है आपको? यदि आपको बहुत जम के बहुत बढ़िया वाली भूख लगती है तब तो राइट का निशान लगा दीजिए, लेकिन यदि आपको ठीक से भूख नहीं लगती या अपने खाने का टाइम आप स्किप कर जाते हैं और आपको याद ही नहीं आता कि मुझे खाना खाना है, तो समझ लीजिए आपका पाचन तंत्र कमजोर है और वह इंडिकेट हो रहा है भाई संभल जा, तो चेक कर लीजिए इस पॉइंट। चेक करने का पॉइंट नंबर 6, अच्छी गहरी नींद आ जाती है जैसे ही आप सोते हैं, तो क्या सोते ही 5 मिनट के भीतर आपको नींद आ जाती है? यदि हाँ तो राइट का निशान लगा दीजिए, और यदि ना तो फिर आप किसी न किसी तरह के तनाव से ग्रस्त हैं या कुछ थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं सोने के वक्त, और ये ठीक नहीं है। आप अपने साथ एक साइकोलॉजिकल एरर लेकर चल रहे हैं जो आपको आने वाले भविष्य में दूसरी बीमारियां जन्म करवा सकती हैं, तो चेक कर लीजिए। चेक करने का पॉइंट नंबर 7, क्या आपको आपके शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी और लगभग लगभग हर दिन या एक दो दिन में कहीं पेन होता रहता है? यदि हाँ तो फिर क्रॉस का निशान लगा लीजिए, क्योंकि आप इसका नंबर आपको नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है, और खाने पर ध्यान देना पड़ेगा, नींद पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी दर्द होना, बॉडी में मस्कुलर पेन होना, रूमेटिक पेन होना ठीक लक्षण नहीं है, आपकी इम्यूनिटी डाउन है। इम्यूनिटी चेक करने का सबसे आखिरी पॉइंट, अंतिम पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, हालांकि मैं इसे कैटेगरी 1 पे रखना चाहूंगा, पर चूंकि अब मैंने सारी कैटेगरीज बता दी है तो इस कैटेगरी को सुन लीजिएगा, आप खुद ही इसे नंबर 1 पे रखेंगे। 8वां पॉइंट ये कहता है कि क्या आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो पूरी तरह अच्छी खुशी में जी रहे हैं, आपको सुख का अनुभव होता है या नहीं होता? आप जब अपने घर में पूरी दिन भर की दिनचर्या करके जाते हैं तो पूरी तरह से सुखी महसूस करते हैं, या पिछली जिंदगी आपने जो जी है या अभी जी रहे हैं या आने वाले समय की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सुख का अनुभव कहाँ है? सच्चे सुख का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो आपको जरूरत है अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करने की, अपने मानसिक स्तर पे काम करने की, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपका प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो रहा है। ये जो 8 पॉइंट मैंने बताए हैं इसको आप लिस्ट बना लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको ये पॉइंट गिनवाऊंगा और आपको अपना चेकलिस्ट खुद अभी तैयार करना है। पेन कागज निकालिए और लिस्ट बनाइए। पहला है, क्या आपका रोज पेट साफ हो जाता है? आप जब बाहर जाते हैं सुबह टॉयलेट तो क्लियर मोशन होता है कि नहीं? यदि नहीं होता है तो क्रॉस कर लीजिए, यदि होता है तो टिक कर लीजिए यस। दूसरा है, क्या आपका वजन बढ़ रहा है? यदि नहीं बढ़ रहा है तो यस, यदि नहीं बढ़ रहा है तो फिर नो करना पड़ेगा। क्या त्वचा का रंग आपका साफ है? यदि गड़बड़ हो रहा है तो चेक करिए। चौथा पॉइंट है, क्या आपको दिन भर आलस्य महसूस होती है? 5वां पॉइंट,
क्या तेज भूख लगती है, अच्छे से मजेदार भूख लगती है। और छठा पॉइंट है, क्या आपको अच्छे से गहरी नींद आती है, सोए 5 मिनट में पता नहीं कहाँ चले गए। और अगला पॉइंट है 7 नंबर, क्या किसी भी अंग में दर्द महसूस होता है, यदि होता है तो क्रॉस, नहीं होता तो राइट। और लास्ट पॉइंट, आप जो जिंदगी अभी जी रहे हैं उसमें आपको अच्छे से सुख का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप भागे पड़े हैं ज्यादा पैसा मिल जाए तो अच्छा होता, कम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और सब कुछ पूरी जिंदगी ऐसी लग रही है। एक बार एनालिसिस करिएगा कि आपको बोझिल सी महसूस होने लगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं वैसा क्यों, मैं ऐसा ही क्यों हूं। तो ऐसे ये जो स्कोरिंग है, आपने क्या इसको चेक किया, चेक कर लीजिए इस स्कोरिंग को और देखिए कि आपका इम्यूनिटी का लेवल कैसा है। पूरी ईमानदारी से आपने ये काम किया होगा और उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि आपको अपने शरीर के किस हिस्से पर काम करना है, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे आप अपने प्रतिरोधक तंत्र पे मेहनत करेंगे, नेचुरल इम्यूनिटी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत करेंगे, वो सारे तरीके हम आपको अगले वीडियोस में जरूर बताएंगे। लेकिन अभी आज आपका काम है वीडियो देखने के साथ ही साथ तुरंत इन मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स नीचे भरे होते हैं कि सर इसमें ये ले लूं क्या, उसमें वो ले लूं क्या, मैं विटामिन सी ले लूं क्या, विटामिन डी ले लूं क्या। खाना सुधार लीजिए, कोई विटामिन सी, विटामिन डी और बाकी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपने खाने से ही मिल जाएगा। खाने का टाइमिंग सुधार लीजिए, सोने का टाइमिंग सुधार लीजिए और थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज कीजिए, आपका सिस्टम सही हो जाएगा। चेक योर इम्यूनिटी स्कोर राइट नाउ, और अब इतना सुन चुके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।